अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बनाएंगे लखनऊ की मशहूर इदरीस बिरयानी, जो बहुत मजे की पकती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। देखिए, इसमें हमने तकरीबन 300 ग्राम तेल डाला है और इसी में हमने प्याज तल के निकाल लिया है। दो मीडियम साइज की हमने प्याज तली, उसको निकाल लिया। ये हमारा 1 किलो मटन है। दो टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। दो टीस्पून रेड चिली पाउडर। डेढ़ टीस्पून नमक। और ये खड़े मसाले हैं, 10 से 12 छोटी इलायची है और 4 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, 10 से 12 लौंग है। आज से 8 मिनट तक गोश्त को खूब अच्छे से भूना है। अब हम दही डाल के 5 मिनट तक और भूनेंगे, क्योंकि हमें पूरी भुनाई इसी वक्त करनी है, बाद में नहीं करना है। तो ये हमारा 2 टेबल स्पून दही है। अब हम 5 मिनट तक और भूनेंगे। कि 5 मिनट हो गए दही के साथ गोश्त को भूनते हुए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और गोश्त को गलाएंगे। ये 1/2 कप पानी डाला है हमने। दो सीटी लेंगे हम तेज गैस पे और फिर 6 से 7 मिनट तक हम धीमी गैस पे पकाएंगे। ये हमने पानी चढ़ा दिया है चावल बॉईल करने के लिए। इसमें ये सिर्फ 2 ही चीजें जाएंगी, लौंग और इलायची। तो 10 से 15 इलायची है और 10 से ही 15 लौंग है। 1/2 प्याली नमक जाएगा। देखिए, 6 से 7 मिनट हो गया। हमने 2 सीटियां तेज गैस पे लेके गैस को धीमा करके और 6 से 7 मिनट तक पकाया। गोश्त को अच्छे से गल गया है। ये देखिए कितना बढ़िया गला है गोश्त। अब हम ऊपर की तरी हटा लेंगे और सारे पीस को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, ये 1/2 किलो दूध है और उसमें हम 1/2 टीस्पून बिरयानी मसाला डालेंगे। ये देखिए, 1 प्याली में हमने दूध में केसर भिगो के रखा था, ये से 3 से 4 मतलब चुटकी केसर होगा। ये ऐड कर देंगे इसमें। और ये जो हमने बोटी निकाली थी गोश्त, वो डाल देंगे। ये इसकी जो यखनी है वो छान के डालेंगे। अभी इसको हम फेंक देंगे। ये हमने 2 प्याज तल के निकाल लिया था और इसको हमने क्रश कर लिया हाथ से, वो ऐड करेंगे। दो टीस्पून केवड़ा वाटर। अब हम इसको अच्छे से सब मिला देंगे।
देखिए एक प्याली बालाई डालेंगे हम, बासमती राइस है, इसको हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब हम इसको 60% तक गलाएंगे, क्योंकि हमको मेरी यखनी जो है वो ज्यादा है, तो हमको सिर्फ 60% गलाना है, फिर हम उसको उसके बाद आपको दिखाएंगे। देखिए चावल बस हमें इतना ही गलाना है, अब हम पानी से इसको निकाल देंगे। ये अब हम इसमें ये चावल ऐड कर देंगे यखनी में। हम 10 मिनट तेज गैस पे रखेंगे दम के लिए, और फिर 15 मिनट के लिए हम बिल्कुल गैस को स्लो कर देंगे। देखिए 15 मिनट हो गया धीमी गैस पे दम किए हुए, अब हम 5 मिनट बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। देखिए कितने अच्छा कलर और कितने प्यारे प्यारे खिले खिले से चावल है। तो देखिए कितने मजेदार सी बिरयानी बनके तैयार हो गई है, तो इसको जरूर बना के ट्राई कीजिएगा, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।